तो जाने वाले वास्तु विज्ञानी मनोज जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप गणपति की स्थापना करें, कहाँ स्थापना करें, कैसे आप अपने घर के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, ये सभी अगर आप सवाल जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर फोन करके जान सकते हैं मनोज जी से। मनोज जी, मैं पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि गजानन का संपूर्ण जो स्वरूप है वो ही वास्तु दोष को दूर कर देता है, किस तरह, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या किस तरह की मान्यताएं और किस तरह का आधार है इसके पीछे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि गजानन का जो स्वरूप है, उनकी जो आकृति है और उनकी जो पूजन की विधि है, वो अपने आप में नवग्रह के दोष को दूर करता है और संपूर्ण रूप से घर के अंदर में जो भी वास्तु दोष हैं वो स्वतः दूर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें देखिए, जैसे गजानन का जो स्वरूप है और उसके बाद में जो उनकी पूजन की विधि है, वहां पे दुर्वा घास चढ़ाई जाती है। दुर्वा घास बुद्ध का प्रतीक है और बुद्ध बुद्धि का, विद्या का, संचार का, व्यापार का स्वामी है। यानी आप गजानन की यदि पूजा करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके घर में बुद्धि। जी जी, बिल्कुल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आप बता रहे हैं कि बुद्ध को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं, बुद्धि के देवता होते हैं गणेश जी। ये चर्चा आपसे हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक दर्शक हैं, गोपाल सोनी जी गुजरात से। जी गोपाल जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घर में, मैंने पेपर में पढ़ा है कि गणेश जी की मूर्ति एक या दो रखनी थी, दो नहीं रख सकते? नहीं, रखी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा तीन रख सकते हैं, मगर उसका अपना दिशाओं का महत्व बहुत जरूरी है। आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सजावट के तौर पे गणेश जी को कहीं पे भी स्थापित न करें, जहां पे भी रखें उसको विधि विधान से रखें। आप किसी जानकार व्यक्ति को बुलाएं, किसी अच्छे पंडित को बुलाएं, वहां पे विधि विधान से प्रतिष्ठा करें, तभी लाभ होगा। यदि सजावट के तौर पे यंत्र तंत्र कहीं पे भी आप रख देते हैं तो आपको नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। जी, यानी कि गणपति को पूरी श्रद्धा भाव से आप स्थापित करें, उसे डेकोरेटिव पीस जो आजकल मार्केट में बिक रहे हैं वो समझकर घर में ना लाएं। मनोज जी, आप जैसा कि बता रहे थे कि हम किस तरह, गणपति जो है वो बुद्धि के देवता तो है ही, साथ ही साथ उनकी पूजा करके हम किस तरह सभी ग्रह को भी प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, आपको मैंने दुर्वा घास के बारे में बताया कि दुर्वा घास चढ़ाने से क्या होता है। इसके बाद में उनकी मुखाकृति के अंदर में एक दंत है, मतलब एक दांत दिखाई देता है जो कि केतु का प्रतीक है। केतु बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी सरलता से करवा देता है, ये प्रतीक है। इसलिए हम जीवन के अंदर में, यदि हमारे जीवन के अंदर में कोई भी कठिनाई आती है और हम गणेश जी की यदि पूजा करते हैं सच्चे मन से, तो बड़े से बड़े कठिन कार्य भी बहुत आराम से और सुचारू रूप से निकल जाते हैं। जी मनोज जी, एक सवाल आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि गणपति किस कोने में स्थापित करें, ये तो जरूरी है ही, उसके अलावा गणपति की जो हम घर के, अगर हम ड्राइंग रूम में रखें या हम बेडरूम में रखें या फिर उसके लिए अलग से पूजा घर अगर ना हो, क्योंकि आजकल घर भी बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक बात के लिए विशेष तौर पर आप सभी को सावधान कर देना चाहता हूँ कि गणपति को कभी भी शयन कक्ष में ना रखें, और जिस जगह पे गणपति